वेटर घर पर लाइन दो जरा। हेलो सासू माँ, मैं सत्तू बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मामा जी की पहली पत्नी आनंद आश्रम में जीवित है। अब हम क्या करेंगे? कितना शुभ समाचार सुनाया तुमने। अब हम तुरंत आनंद आश्रम जाकर यशोदा के पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और उसे घर लेकर आएंगे। विजय, गुड न्यूज, संजना की सगी माँ जिंदा है। तुम सच कह रहे हो? मेरी माँ जिंदा है? हाँ बहन, आश्रम से स्वामी जी ने आकर कहा तुम्हारी माँ उनके पास है। किसने बताया? सत्य प्रकाश यह बात कांता जी से फोन पर कह रहा था, मैंने सुना है। अच्छा, तो चंद्रमोहन को अरेस्ट कराने के लिए पूरा खेल खेला गया था। विजय, देखो तुम लोग दोनों यहाँ पर रहो और अपना ख्याल रखो। तुम लोग साथ चलोगे तो उनकी जान को खतरा होगा। फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। चल यार। मुझे क्षमा कर दो दीदी, अपने स्वार्थ के लिए तुम पर अन्याय कर चुकी हूँ। इतने सालों से तुम्हारे सुख चैन सौभाग्य को अपनाया मैंने। नहीं बहन, मुझे जायदाद की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो आश्रम में रह रही हूँ। लेकिन उन्हें फांसी की सजा दी जा रही है, ये सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। नहीं तो मैं तुम्हारे सुखी जीवन में कभी नहीं आती। सब्र का फल मीठा होता है। अभी हम तुरंत नहीं गए तो मामा जी को फांसी की सजा हो जाएगी। जाओ बेटी, तुम्हारे मां का सिंदूर मंगलसूत्र तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। जाओ बेटी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये चंद्रमोहन जी की पत्नी यशोदा जी। हाँ। यशोदा बेटी, कांता जी को सत्य प्रकाश आकर कोर्ट में गवाही देना है बोलकर अभी लेकर गया। ऐसा क्या? वो लोग झूठ बोलकर उन्हें यहाँ से ले गए। चलो चले। भांजे, अब हमें पुलिस स्टेशन जाना है, मामा जी को छुड़ाना है, कोर्ट से छुड़ाना है। बुआ जी, कितना भरोसा तुम्हें मुझ पर? क्या आप सच में समझ नहीं कि सोदा मामी को पुलिस के पास ले जाकर मामा जी की सजा रुकवा दूंगा? क्या कह रहे हो तुम? आप समझ नहीं कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? नहीं, सीधे शादी के मंडप में। वहाँ संगना दुल्हन बनी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम दोनों के सामने वो मेरी पत्नी बनेगी। कितना कमीना बदमाश है तू। मेरे अंदर भी तो पिताजी का खून दौड़ रहा है। उस वक्त मेरी ही अक्ल मारी गई थी जो मैंने उस वक्त उसका साथ दिया। इन लोगों पर मैंने अन्याय किया, अब इन दोनों को मिलाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ मैं। तो चुपचाप गाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर चल, नहीं तो मैं लेकर जाती हूँ। खामोश बैठी रहो, नहीं तो पुलिस स्टेशन के बजाय यही काम तमाम कर दूंगा तुम लोगों का। तुम मुंह बंद करो अपना। गाड़ी रोक रे, मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। गाड़ी रोक, चुप। गाड़ी रोक, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक। रोक दे बेटा, गाड़ी रोक दे। रुको रुको, बचा, सुनो। अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हो गया माजी? बेटा, विजय संजना से शादी करने के लिए सत्य प्रकाश यशोदा को अपने साथ ले गया। यशोदा को बचा लो, मेरे पति को सजा नहीं होने देना, उन्हें बचा लो बेटा। नहीं माँ जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी। मेरी चिंता मत करना, वरना दो चाने चली जाएगी। जा बेटा, मैं तेरे यार, तूने हॉस्पिटल लेके जा। ओके। ऐसे नहीं रहे। देखा मेरा अरेंजमेंट सासू माँ? इधर है शादी का मंडप, उधर है सुहागरात की सेज। तुम्हारी बेटी को इज्जत के साथ भेजोगी तो हम दोनों पहले उस मंडप में शादी करेंगे। नहीं तो अपनी आंखों से इनकी सुहागरात का आंखों देखा हाल देखो। उसका जीवन बर्बाद मत करो। तो फिर तुरंत इन दोनों की शादी करवा कर इन्हें आशीर्वाद देकर भेजो। ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई, ऐसा हमें फोटो चाहिए। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं करूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पहनाता हूँ। तेरे बाप और बुआ के अत्याचार से ही हमारा घर संसार बर्बाद हुआ था। 20 साल से मैं अपनी बेटी से दूर रह रही हूँ। मेरी ममता को मार के जायदाद तुम्हारे नाम लिखी है, और क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो हम लोगों पर? सासू माँ, तुम्हारे पति की सासे मेरे दया का इंतजार कर रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो कोर्ट तुम्हारे पति को फांसी की सजा दे देगा। अगर हमारा कहना तुम मान गई तो
कोर्ट जाकर अपने पति को बचा सकती हो। इसके बाद अपने पति को छोड़कर आश्रम जा सकती हो। हाँ, पूरी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देती हूँ, हम लोगों को छोड़ दो। सासू माँ, सासू माँ, तुम दुनिया की नजरों में मर चुकी हो, हम तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहते हैं। संजना का पति ही सारी जायदाद का मालिक बनेगा, क्या हम नहीं जानते? ए सत्य प्रकाश, अभी तक तूने बहुत बार कोशिश की, जितनी बार भी कोशिश किया तूने उतनी बार मेरे भाई ने तुझे कुत्ते की तरह पीटा। तू अगर जबरदस्ती शादी भी करेगा तो संजना मंगलसूत्र तार के फेंक देगी। इसलिए यहीं पर सुहागरात का भी इंतजाम किया है। अरे बेटा, इन्हें मंत्रों की शादी की जरूरत नहीं है, बातों से काम नहीं होगा, जबरदस्ती सुहागरात मनाओ। कितने सालों बाद मेरा सपना पूरा हो रहा है। संजना आओ। सासुमा, ये देखो अपनी बेटी की साड़ी, शादी करवाओगी या नहीं? तुम इंसान नहीं, हैवान हो। बताता हूँ। सासुमा, ये देखो तुम्हारी बेटी का ब्लाउज, शादी करवाओगी या नहीं? तुम इंसान हो या जानवर? शादी का समय हो रहा है, तुरंत डिसीजन लो। सासुमा, ये देखो तुम्हारी बेटी की। तुम हो? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया था और मैं अपनी बीवी को। शादी कितनी बार करवाई तूने? क्षमा कर तेरी तो। आई एम सॉरी, थैंक यू। संगीना, तुम इसको चुम रही हो, मैं भी तुम्हें चुमूंगा। तेरी तो साले। Thank you.
स्टॉप, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। अरे स्टर माँ, कितने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति बनने के लालच में ये मुजरिम चंद्रमोहन एक अच्छे पति नहीं बन सके। जायदाद के लिए अपनी धर्मपत्नी की निर्मम तरीके से हत्या करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाए। रुकिए रुकिए, वो हत्यारे नहीं है, मैं जिंदा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, बहन आपको जो कुछ भी बोलना है इस कटघरे में आके बोलिए। जज साहब, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। इन्हें इस केस में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है जज साहब। मैंने एक बेटी को उसकी माँ से जुदा करने का पाप किया है जज साहब, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए जज साहब, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे सजा दीजिए जज साहब, मुझे सजा। इस केस में चंद्रमोहन को निर्दोष पाया गया है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। इतने सालों से धोखा देने वाले परशुराम, सत्यप्रकाश और ग्रीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बाप रे, तुम्हें अब शुद्ध भाषा सिखाने के लिए कितनी अच्छी जगह मिल गई है। बाप रे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हो क्या तुम? जज साहब, दया करके हम दोनों को एक ही सेल में नहीं रखने की आज्ञा दीजिए। Thank you.